हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विचिनत। आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब का आउट टू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यूज़ ऑफ आउट टू इन हिंदी। आउट टू ना चाहिए, आउट टू ना चाहिए। नैतिक बाध्यता का बोध कराने के लिए आउट टू का यूज़ होता है। नॉट, साधारणतः चाहिए के लिए। शुड तथा अवश्य चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग करें। चाहिए के लिए शुड तथा अवश्य चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग करें। सेकंड इज, आउट टू का प्रयोग वैसे बाध्यता के लिए होता है जो नैतिक सामाजिक हो, ना कि कानूनी। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता का कहना माने, इसके लिए कानूनी बाध्यता नहीं है। अतः इस प्रकार के भाव के लिए आउट टू का प्रयोग होगा। आप चाहें तो आउट टू के बदले शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आउट का भी प्रयोग कर सकते हैं और शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के भाव के लिए आउट टू का प्रयोग होगा। आप चाहें तो आउट टू के बदले शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल लिए आउट टू का प्रयोग सीखें। जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। थर्ड इज आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड वाई आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सभी सब्जेक्ट के साथ आउट का प्रयोग किया जाता है। ही शी इट राम श्याम ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, मुझे औरतों का सम्मान करना चाहिए। आई आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन, हम लोगों को औरतों का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन। सेकेंड पर्सन, आपको औरतों का सम्मान करना चाहिए। यू आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन, आप लोगों को औरतों का सम्मान करना चाहिए। यू आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन। थर्ड पर्सन, उसे या उसको राम को औरतों का सम्मान करना चाहिए। ही शी इट राम आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन, उन लोगों या लड़कों को औरतों का सम्मान करना चाहिए। दे द बॉयज आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन। अब मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए। फर्स्ट सेंटेंस इज, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सेकेंड इज, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। वी आउट टू ओबे आवर एल्डर्स, ओबे मानना चाहिए। वी आउट टू ओबे आवर एल्डर्स। थर्ड इज, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आपको दयालु होना चाहिए। यू आउट टू बी काइंड, दयालु काइंड, आपको दयालु होना चाहिए। यू आउट टू बी काइंड। हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। वी आउट टू लव चिल्ड्रन, हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। वी आउट टू लव चिल्ड्रन। सिक्स इज, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। सेवंथ इज, हमें अपने अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू सर्व आवर गेस्ट्स, अतिथि गेस्ट सेवा सर्व। वी आउट टू सर्व आवर गेस्ट, हमें बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू सर्व द ओल्ड, हमें बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू सर्व द ओल्ड।
90s हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. वी आउट टू हेल्प द पुअर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. वी आउट टू हेल्प द पुअर. 10th उन्हें साधुओं का सम्मान करना चाहिए. दे आउट टू रिस्पेक्ट सेंट्स साधु सेंट्स उन्हें साधुओं का सम्मान करना चाहिए. दे आउट टू रिस्पेक्ट सेंट्स अब निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम आउट टू का. सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा फिर हेल्पिंग वर्ब देन नॉट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज हमें अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए. वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट. वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स हमें अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए. वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. सेकेंड इज हमें अपने बड़ों का कहना नहीं मानना चाहिए. वी आउट नॉट टू ओबे आवर एल्डर्स बड़ों का एल्डर्स हमें अपने बड़ों का कहना नहीं मानना चाहिए. वी आउट नॉट टू ओबे आवर एल्डर्स हमें अपने बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए. वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स हमें अपने बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए. वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. फोर्थ इज आपको दयालु नहीं होना चाहिए. वी आउट नॉट टू बी काइंड आपको दयालु नहीं होना चाहिए. यू आउट नॉट टू बी काइंड भी होना. फिफ्थ इज हमें बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए. वी आउट नॉट टू लव चिल्ड्रन हमें बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए. वी आउट नॉट टू लव चिल्ड्रन. सिक्स इज हमें अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहिए. वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स हमें अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहिए. वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स. सेवन्थ इज हमें अपने अतिथियों की सेवा नहीं करनी चाहिए. वी आउट नॉट टू सर्व आवर गेस्टिज वी आउट नॉट टू सर्व आवर गेस्टिज हमें अपने अतिथियों की सेवा नहीं करनी चाहिए. वी आउट नॉट टू सर्व आवर गेस्टिज. एट्थ इज हमें बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए. वी आउट नॉट टू सर्व द ओल्ड हमें बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए. वी आउट नॉट टू सर्व द ओल्ड. 9th इज हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए. वी आउट नॉट टू हेल्प द पुअर हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए. वी आउट नॉट टू हेल्प द पुअर. 10th इज उन्हें साधुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए. दे आउट नॉट टू रिस्पेक्ट सेंट्स सम्मान करना रिस्पेक्ट उन्हें साधुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए. दे आउट नॉट टू रिस्पेक्ट सेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे आउट टू का. आउट टू प्लस आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी देन सब्जेक्ट यूज़ होगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट सेंटेंस इज क्या हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए. आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट. आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स क्या हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए. आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. सेकेंड इज क्या हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए. आउट वी टू ओबे आवर एल्डर्स क्या हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए. आउट वी टू ओबे आवर एल्डर्स. थर्ड इज क्या हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए. आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स क्या हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए. आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. फोर्थ इज क्या आपको दयालु होना चाहिए. आउट यू टू बी काइंड क्या आपको दयालु होना चाहिए. आउट यू टू बी काइंड होना बी. फिफ्थ इज क्या हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए. आउट वी टू लव चिल्ड्रन क्या हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए. आउट वी टू लव चिल्ड्रन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे. आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट प्लस नॉट.
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमें अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहिए? आउट वी नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट। आउट वी नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। क्या हमें अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहिए? आउट वी नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। क्या हमें अपने अतिथियों की सेवा नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू सर्व आवर गेस्टिस। क्या हम अपने अतिथियों की सेवा नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू सर्व आवर गेस्टिस। एट इज, क्या हमें बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू सर्व द ओल्ड। क्या हमें बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू सर्व द ओल्ड। नाइन्थ इज, क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू हेल्प द पुअर। क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू हेल्प द पुअर। आउट वी नॉट टू हेल्प द पुअर। क्या उन्हें साधुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? आउट दे नॉट टू रिस्पेक्ट सेंट्स। क्या उन्हें साधुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? आउट दे नॉट टू रिस्पेक्ट सेंट्स। अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे आउट टू का व्हेन, व्हाई, हाउ, एक्सेट्रा का प्रयोग। व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस आउट टू प्लस आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज, हमें अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए? व्हाई आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सबसे पहले WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। हमें अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए? व्हाई आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सेकेंड इज, हमें अपने बड़ों का कहना कब मानना चाहिए? व्हेन आउट वी टू ओबे आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का कहना कब मानना चाहिए? व्हेन आउट वी टू ओबे आवर एल्डर्स। थर्ड इज, हमें अपने बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए? हाउ आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए? हाउ आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। फोर्थ इज, आपको दयालु क्यों होना चाहिए? व्हाई आउट यू टू बी काइंड। आपको दयालु क्यों होना चाहिए? व्हाई आउट यू टू बी काइंड। फिफ्थ इज, हमें बच्चों से प्यार कैसे करना चाहिए? हाउ आउट वी टू लव चिल्ड्रन। हमें बच्चों से प्यार कैसे करना चाहिए? हाउ आउट वी टू लव चिल्ड्रंस। और हम WH फैमिली में आउट टू का निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट। सेंटेंस, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? Why ought we not to respect our teachers? सबसे पहले WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें अपने शिक्षकों का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? Why ought we not to respect our teachers? हमें अपने अतिथियों की सेवा कैसे नहीं करनी चाहिए? How ought we not to serve our guests? हमें अपने अतिथियों की सेवा कैसे नहीं करनी चाहिए? हाउ आउट वी नॉट टू सर्व आवर गेस्टिस। हमें बूढ़े लोगों की सेवा कैसे नहीं करनी चाहिए? हाउ आउट वी नॉट टू सर्व द ओल्ड। हमें बूढ़े लोगों की सेवा कैसे नहीं करनी चाहिए? हाउ आउट वी नॉट टू सर्व द ओल्ड। हमें गरीबों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? Why ought we not to help the poor? हमें गरीबों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? Why ought we not to help the poor? Tenth is, उन्हें साधुओं का सम्मान कब नहीं करना चाहिए? When ought they not to respect saints? उन्हें साधुओं का सम्मान कब नहीं करना चाहिए? When ought they not to respect saints? उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर लिखकर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो
सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।